अस्सलाम वालेकुम सेवन क्लास, आज आप अपने चैप्टर के एमसी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कि आपकी जो है वो 14 अप्रैल की डायरी है। गिव शॉर्ट आंसर्स, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर दीज एट द स्टार्ट ऑफ मोस्ट फूड चेन, फूड चेन के स्टार्ट में कौन से ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है मोस्ट फूड चेन स्टार्ट्स ऑफ प्रोड्यूसर, ज़्यादातर जो फूड चेन है वो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती हैं और प्रोड्यूसर जो हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। नेम बायोटिक फैक्टर ऑफ एन एनवायरनमेंट, बायोटिक फैक्टर कौन से होते हैं जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, और वो हैं एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये आपके चैप्टर के स्टार्ट में वो लाइन लिखी हुई है। हाउ आर प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर्स रिलेटेड टू ईच अदर, प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स ये एक दूसरे के साथ किस तरह से रिलेट करते हैं। तो आपने बताना है कि प्रोड्यूसर्स जो हैं वो कंज्यूमर्स जो हैं प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, प्रोड्यूसर्स अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। तो इसका आंसर है प्रोड्यूसर्स आर ईटन बाय कंज्यूमर्स, द डीकम्पोजर्स ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस व्हिच मिक्स विद सॉइल एंड आर अवेलेबल टू ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड। ये इसका आंसर है। डिफाइन एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है, ये आपके चैप्टर के स्टार्ट में है। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जब आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो वो इकोसिस्टम बनाती हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिटी इन एन इकोसिस्टम, कम्युनिटी क्या होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ पॉपुलेशन एक ही एरिया में रहती हैं, मिलकर रहती हैं, तो वो मिलकर कम्युनिटी बना देती हैं। नेम दी वेज बाय विच वी कैन सेव आवर नेचुरल रिसोर्सेज, तो आपका चैप्टर नंबर पेज नंबर 39 पे ये येलो बॉक्स दिया हुआ है, ये इसका आंसर है। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाएं। व्हाट इज़ हैबिटेट, डिस्क्राइब इट्स फ्यू काइंड्स, ये पेज नंबर 35 to 36, हैबिटेट से स्टार्ट लेकर उसकी काइंड्स हैं सारी। डिस्क्राइब फैक्टर डैट कैन ब्रिंग डेली एंड ईयरली चेंज इन दी हैबिटेट, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हैबिटेट को चेंज करते हैं, पेज नंबर 37 to 38 इसका आंसर है। डिस्क्राइब अडाप्टेशन ऑफ सम एक्वेटिक एनिमल्स टू लिव इन देयर हैबिटेट, पेज नंबर 40 पे। एक्सप्लेन अ फूड चेन एंड अ फूड वेब विद एग्जाम्पल, ये पेज नंबर 42 और 43 पे इसकी फूड चेन और फूड वेब के टॉपिक दिए हैं। लुक एट दी फॉलोइंग फूड वेब एंड आंसर दी क्वेश्चन गिवन बिलो, ये नीचे फूड वेब दी है और आपने नीचे आंसर्स देने हैं। नेम दी प्रोड्यूसर इन दी फूड वेब, तो प्रोड्यूसर है इसमें सी वेट, क्योंकि वो अपनी खुराक खुद तैयार करता है। From where does the producer get energy? Energy जो है producer कहाँ से हासिल करते हैं? The producer get energy from sunlight. Name three consumers in the food web. Food web में मौजूद तीन consumers के नाम बताएं जो plant से अपनी खुराक हासिल करते हैं। तो उसमें है oyster, minnow और starfish. Write down two food chains in this food web, और दो food chains जो हैं वो आपने इसमें से discuss करनी है।